चांद को चांदनी मुबारक, आसमान को सितारे मुबारक, और हम सभी को देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी बहुत बहुत मुबारक। माय नेम इज जश्न अग्निहोत्री एंड आई एम योर ऑफिशियल होस्ट फॉर द फेस्टिवल, द एंटायर फेस्टिवल, द फिफ्थ देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। एज एन ऑफिशियल होस्ट, आई थिंक एज अ गुड होस्ट I should welcome you all with a huge round of applause to Kamla Pasan Presents Fifth Dehradun International Film Festival, ladies and gentlemen. I'd like to list our partners, which are Page 3, Woosh Detergent Powder, Aparajita, Superhits Red FM, Catalyst Advertising, Kamla Pasan, Goldie Masale, Indian Oil, 2019 Years of Solution, Amar Ujala, Rich Value Mustard Oil, Mountain Breeze, Levy Care, WIC, Tulas, ONGC, MOC, The Solitaire, Fortune Lifeline, Shalimar Paints, Nisha Tours and Travels, Catalyst Advertising, Box Cinema, Suryansh Tours and Travels, Occasion Export, and Box Cinema. So well, ladies and gentlemen, before we take this evening forward, we have some very talented people out here. अभी कुछ दिन पहले देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने कॉमेडी मंच किया था सर, ताकि हम देहरादून उत्तराखंड से कुछ टैलेंट निकाल के आगे तक लेके जा सकते हैं। तो उस टैलेंट हंट से हमने कुछ पांच बेस्ट कॉमेडियंस चूज करे थे। सो जस्ट कैन यू प्लीज कॉल देम? आई विल कॉल देम वन बाय वन, बट बिफोर दैट आई थिंक इट्स टाइम टू वेलकम ऑल आवर फ्रंट बेंचर्स, द सेलिब्रेटेड पीपल हु हैव कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। मैं उन सभी के लिए, दिलीप सेन जी हमारे साथ हैं, सेलिब्रेटेड म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर हु हैज गिवन ओवर 1500 हिट सॉन्ग्स टू अस इन ओवर 250 फिल्म्स। एक बार जोरदार तालियां बजाइए दिलीप जी के लिए। रंजीत जी हमारे साथ हैं, वी रियली सल्यूट योर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री सर, ओवर 300 फिल्म्स एंड क्विंटेसेंशियल वुमेन लव बाय ऑल। We have Vivek Vaswani sir, the celebrated actor, director, producer who is credited with launching so many people in the industry. He has launched so many companies also, and credited with over 100 films as an actor. A huge round of applause for Vivek sir. And now the institute in himself, a teacher. Yes. And we have a big face in Bollywood and Punjabi cinema, Kanwaljeet Singh sir. Ek bar zordaar taaliyan ho jaye Kanwaljeet ji ke liye. Suraj roshan hai jugnu ki tarah, chandni bikhri hai sitare ki tarah. Sitare to kai hai ujalon mein gum, magar kuch khaas sitare hain is jahan mein. Yahan baithe hamare celebrated shining stars ki tarah. Ek bar zordaar taaliyan ho jaye sabhi ke liye. And ladies and gentlemen, I think it's time to recognize the architect of this film festival. May I please call upon Mr. Rajesh Sharma ji to have a few words with us and welcome us. Rajesh Sharma ji sir, our festival director, who has been doing this festival from last 5 years, the brain behind Dehradun International Film Festival. Main akela hi chala tha janib-e manzil magar. Main akela hi chala tha janib-e manzil magar. लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। थैंक यू जशन, वेलकम टू माय फ्रेंड्स। हमारे गेस्ट, स्पेशल गेस्ट बॉम्बे से जो आए हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ हमारे उत्तराखंड में। और दोस्तों, आप पिछले 5 साल से देख रहे हैं, पिछले 5 साल का सफ़र जो रहा बहुत अच्छा रहा हम लोगों के लिए। हमने बहुत छोटी शुरुआत की थी जब सर, मैं बताना चाहूँगा आपको, जब हम लोगों ने फर्स्ट देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया था तो हमारे पास टोटल 35 एंट्रीज आई थी, टोटल ऑल ओवर इंडिया से। और आज हमारे पास मोर देन 350 एंट्रीज आई हैं और मोर देन 80 फिल्म्स के टाइटल्स फ्रॉम उत्तराखंड प्रोडक्शन हम लोग आज दिखा रहे हैं इस फेस्टिवल में। नेक्स्ट 3 डेज में जो हम लोग देख रहे हैं, मॉर्निंग में हम लोगों ने एक सेशन रखा था जिसमें हम लोगों ने फिल्म दिखाई थी एम एस धोनी, और ये पहली बार हुआ था कि जब हम लोगों ने ब्लाइंड्स के लिए फिल्म दिखाई थी तो हाउस फुल था। नियर अबाउट 250 ब्लाइंड्स फ्रॉम उत्तराखंड, उन्होंने ये फिल्म देखी थी मॉर्निंग 9 to 12 शो। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9 बजे का शो है देहरादून में, वो क्या पिकअप करेगा, नहीं होगा। व्हेन आई सॉ इट कम एट 8:30 8:45 हियर, तो पूरा हॉल फुल था, दे आर वेटिंग फॉर द शो एट 9 o'clock।
तो मैं आप सबकी विशेष चाहता हूँ, हमारे जो फ्रेंड्स हैं बॉम्बे से, और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम इसी तरीके से करते रहे और आप लोगों का साथ हमारा बना रहे। और जैसे रंजीत भाई ने भी कहा था कि विवेक जी भी हमारे साथ हो, हमेशा यही कहते हैं कि आप चलो कहीं भी बुलाओ हम जरूर आएंगे। तो थैंक्स टू माय डियर फ्रेंड्स एंड आपका विशेष साथ रहेगा तो हम और आगे बढ़ते जाएंगे। एंड स्पेशल थैंक्स टू रमेश एंड माई फ्रेंड्स फ्रॉम बॉम्बे, सुबीर भाई एंड सलीम जी, जिनका साथ हमारा हमेशा रहता है। थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो बात कही, आप जरूर आगे बढ़ेंगे एंड यू विल कीप क्रिएटिंग वेव्स बिकॉज़ ऑफ दिस वंडरफुल इनिशिएटिव दैट यू हैव टेकन टू प्रमोट द फिल्म कल्चर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड गिविंग अस ऑल इंक्लूडिंग यू ऑल अ बेटर एक्सपोजर टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। एक बार जोरदार तालियां फिर से राजेश शर्मा जी के लिए। एंड इस साल पता है ना 66 नेशनल अवार्ड में किसको नेशनल अवार्ड मिला था as most film friendly state? Yes, so we have RJ Kavya, who is the one of the known names of Uttarakhand and everyone loves him. You guys love him, show your applause for RJ Kavya. Kavya bhai, kya fan following hai aapki, manna padega. Last time bhi matlab, you know, everyone. Okay, and, let's talk about the movie. He has made this very interesting film, he is featured in it also. It's called #dostvillage. Quite an interesting title, and I think we must find out from Kavya as to what make him think of this title and why. Look at the movie first. Let's look at the movie first. All right, we are going to screen this film #dostvillage. जो हर आने जाने वाले टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इसके उलट एक सच्चाई ये भी है कि पिछले 18 साल में जब ये हिंदुस्तान का 27th स्टेट बना, तब से मेडिकल सुविधाओं, स्कूल्स और बाकी बेसिक जरूरतों के पूरा न होने पर 1800 से ज्यादा गांव माइग्रेशन के चलते खाली हो गए, जो अब घोस्ट विलेज कहलाते हैं। शायद इसीलिए उत्तराखंड के एक राइटर ने लिखा कि ये सड़क तुम अब आई हो गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। मगर कुछ लोग हैं जो रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्हीं सड़कों से लोगों को वापस ला रहे हैं। कहानी.world एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी डिसाइड किया कि वो अपने गांव को रंगना चाहते हैं, ताकि लोग गांव में ही रहें, अपने कल्चर से जुड़े रहें, और बाहर से भी लोग देखने आएंगे तो टूरिज्म भी बढ़ेगा। Ladies and gentlemen, please welcome with a huge round of applause the CM of Uttarakhand. He has come here all the way to grace the opening ceremony of Dehradun International Film Festival, and we can't thank him enough for the same. The glorious man with a glorious career. शिवलाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, सुनील लाल विराजे सुतगौरी हर को, हाथ लिए गुरु लगे। So ladies and gentlemen, put your hands together for Flim Director and Dehardun Film Festival, and ये है उसकी opening ceremony with an honorable CM and a distinguished guest from Mumbai. सर, अब चाहेंगे कि आप इससे पहले आप लेट अस वेलकम आवर रेस्ट ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट फ्रॉम बॉम्बे। सो वेल, वी वुड लाइक टू कॉल अपॉन रंजीत सर प्लीज हमारे साथ आइए, एंड वी विल रिक्वेस्ट इस निपुन अराउंड निपुन टू प्लीज वेलकम रंजीत सर। आई रिक्वेस्ट राजेश शर्मा जी टू प्लीज वेलकम रंजीत सर। सो बहुत बहुत स्वागत आपका। And many others. Huge round of
Wonderful. So, well, ladies and gentlemen, it's time to call upon. And a big TV serial, Night to Shine. And I will request Trivendra Singh Rawat to please come up and welcome Dilip. He's the celebrated music director of Indian films, who has an illustrious career spanning 30 decades and more than 50 films, 1500 songs to his credit. क्या बात है, Dilip साहब ने बड़ी अच्छी एक request रखी है कि वो गाना चाहेंगे CM साहब के लिए. जोरदार तालियां हो जाए. अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते. अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते. कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते. सही बात है कि देहरादून और हमारे सीएम साहब, मतलब यहाँ से बड़ा कहीं आशियाना नहीं हो सकता. और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत जल्द ये कलाकारों की भूमि बनेगी. आज तो हम ऐसे गेस्ट आए हैं, आगे यहाँ काम करने के लिए भी हम आए हैं. आपको उनका आशीर्वाद. थैंक यू. क्या बात है, क्या बात है. दुनिया में अपनी यादें छोड़ जाने के दो ही तरीके हैं, या तो ऐसा लिखो कि लोग पढ़ते रहें, वरना ऐसा जियो कि लोग लिखते रहें. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सीएम सर के लिए. फिर से एक बार जोरदार तालियां फॉर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड. डायरेक्टर्स वी हैव आवर इन इंडस्ट्री. एक बार जोरदार तालियां. I would like Mr. Shabir Sheikh to please come up and welcome our guest, Dr. Jatin Walia. Shabir Sheikh sir. Ladies and gentlemen, let's call upon Dr. Renetra Bajpai ji and Kanika Bajpai ji. Can we have you here, please? Kanika Bajpai ji is a celebrated film, TV and theatre actress. Ek bar zordar taaliyan ho jaye Kanika ji ke liye. जी सर, हम चाहेंगे आप हमारा मार्गदर्शन करें. पांचवें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवसर पर आज जिनके सौजन्य से ये सब यहाँ पर हमें तमाम सितारे और निर्माता यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ऐसे हमारे राजेश जी, पूरी टीम जो यहाँ पर हमारे सामने बैठी है, जो देहरादून के फिल्मों के प्रेमी हैं, ऐसे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं, हमारे दून विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नोटियाल हमारे बीच में हैं. मैं आप सब जो इस फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. और ये मेरा सौभाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड में तमाम जो फिल्मों के निर्माता हैं, आज उनकी पसंद उत्तराखंड बनता जा रहा है. अभी पिछले 1.5 सालों में 200 से अधिक फिल्में यहाँ पर शूट हुई हैं. और जब मैं उनके निर्माताओं से मिला, उनसे बातचीत की, मैंने कहा कोई चीज़ आपको लगता हो कि यहाँ पर होना चाहिए, आपके कोई अनुभव ऐसे हो कि जिनको आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ और करने की गुंजाइश है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दो लोगों ने मुझसे कहा कि देखिए, हम जब फिल्मों की शूटिंग के लिए जाते हैं तो हमको देश में दो, एक शहर और उत्तराखंड, एक शहर का नाम लिया उन्होंने, इंदौर का नाम लिया, कि हमको कभी वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग के समय किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई. और उत्तराखंड में तो हम जहाँ भी गए हमको कभी कोई दिक्कत नहीं, बल्कि हमको यहाँ के लोगों के द्वारा बड़ा सहयोग मिला है. और हम ये समझते हैं कि एक सहयोगात्मक वातावरण जब रहता है तो उससे बड़ी निर्माताओं को कोई और ज़रूरत नहीं होती है. और इसी कारण इस बार हमको बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड ये उत्तराखंड को मिला है. यहाँ पर
क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ चाहे हिंदी हो, अब तो मलयालम की भी फिल्में यहाँ पर शुरू हुई हैं, दक्षिण की सुदूर दक्षिण की फिल्में भी यहाँ पर शूटिंग के लिए आई हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड एक बहुत ही अनुकूल डेस्टिनेशन बन सकता है। जब मैं पिछले वर्ष सितंबर के महीने में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिला था मुंबई में, तो उन्होंने जो मुझे बताया, किसी ने बताया हम फला जगह शूटिंग के लिए जा रहे हैं, किस प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो रोमानिया से कम नहीं है। और उन्होंने फिर ये बात महेश जी से कही, महेश जी पूरे अमले के साथ यहाँ पर आए और मैंने उनको थोड़ा सा सहयोग किया। मैंने कहा आप जरा बॉर्डर देख कर आइए, तो जो हमारा माना पास है बिल्कुल चीन लगा हुआ है, हम थोड़ा ऊपर हैं चीन थोड़ा नीचे है, एक ही बॉर्डर ऐसा है कि जहाँ हम ऊपर हैं चीन नीचे है, तो हमारा माना पास है। और जब वहाँ गए फिर मैंने उनको कहा जहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ त्रियुगी नारायण, और जहाँ पर पिछले 5,500 सालों से लगातार धुन जल रही है, आप वहाँ पर भी ज़रूर जाइएगा। और जब वो वहाँ गए फिर केदारनाथ जी भी गए, इधर हरसिल गए, तो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से यहाँ पर सड़क टू की शूट को यहाँ भी शूट करूँगा, उनको बहुत पसंद आया। मैंने कहा तो उत्तराखंड एक, जब मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में गया था आज से 5-7 साल पहले, तो वहाँ तो सब कुछ आर्टिफिशियल है, तो मैंने उनसे कहा हमारे यहाँ तो ओपन स्टूडियो है उत्तराखंड। तो मेरी ये बात जो थी उसका असर हुआ, लोग यहाँ पर आए और आज यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग हुई है, यहाँ पर इंटरनेशनल आपका फेस्टिवल भी यहाँ पर हो रहा है, फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर हो रहा है, आप सब लोगों से हमको मिलने का मौका मिल रहा है। बाकी तो हम डरते थे आपको देख के बहुत ज़्यादा, आप तो ज़्यादा ही सज्जन लग रहे हैं। बोलते हैं रियल लाइफ और रियल लाइफ होती है ना, तो जब बच्चे थे हम लोग, बाद में तो जब बड़े हो गए फिल्म देखने का मौका नहीं मिला, हम इतने बिजी हो गए सामाजिक जीवन में कि फिल्म देखने का मौका नहीं मिला। शायद इंटरमीडिएट के बाद कोई 2-4 फिल्में देखी होंगी, लेकिन उससे पहले देखते थे हम लोग, तो आपका नाम आते ही तो सब लोगों को रूबरू होने का मौका मिला है, आप लोगों को भी उत्तराखंड समझने का मौका मिला है। निश्चित रूप से मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप थोड़ा ऊपर भी जाइए, मौका मिले तो थोड़ा जाइए, आप 2-2.5 घंटे की जर्नी करके जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे जो सहयोग होगा वो सहयोग आपको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। और श्वेता पारा जी का बहुत बहुत स्वागत कीजिए। लोवेश भुगना जी, so ladies and gentlemen, a very talented actress, powerhouse of talent, a renowned theater artist in the world of theater, Shweta Pada. And ladies and gentlemen, now we have one of the wonderful veteran actors, one of the wonderful actor whom we have witnessed in a lot of movies, ladies and gentlemen, none other than Govind Namdev ji. Bazoda taliyon se swagat kijiye Govind Namdev sahab ka. मैं बुलाना चाहूंगा निपुण जी को, अगर वो यहाँ पर है, प्लीज वेलकम गोविंद जी। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट आवर वेरी ओन फेस्टिवल डायरेक्टर राजेश शर्मा जी टू प्लीज वेलकम गोविंद नामदेव साहब। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड यू एलुमनाई ऑफ केमिस्ट्री एंड एक्टर इन न्यूयॉर्क फिल्म बिटवीन फिल्म स्टार्टिंग हिज डेब्यू फिल्म शोला और शबनम। Few of the highlights of his career include films like Oh My God, Dhamma Rodham, Bandit Queen, Virasat, Satya, for which he was nominated for Filmfare Awards, the Madhya Pradesh Ratna, Zorwar Talia and Gaz Bagaye, Govind Namdev ji. Thank you so much. So well, ladies and gentlemen, it's now time to call upon Priyanshu Chatterjee, and I would like to call upon Romil Kapoor ji to please welcome Priyanshu ji. Formal model and actor who created waves in Bollywood with his debut film, Tum Bin.
So before we move forward, let me call upon the names and have a request. Our very own Honorable CM sir to please give the awards jo hamare saath Mumbai se aaye hain. Bhala aapki taaliyan nahi ruk jayegi dosto, zordaar taaliyan se protsahit kijiye hamare stars ka. Ladies and gentlemen, now it's time to call upon a very, very special award for lifetime contribution to Indian cinema. Ladies and gentlemen, none other than our very own, very lovely Ranjeet sir. Sir, बहुत रिक्वेस्ट है, गाना बजाओ. एक डायलॉग जरूर चाहिए सर, एक डायलॉग कम से कम. इतने काफी है ना? नहीं 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 अपने किस्मत पे तो गालियां लिखी होती थी हमेशा. पर्दे पे जाते ही पहले हिरन देखते बोलती थी कुत्ते के बिना खबरदार मुझे हाथ लगा. घर में माँ बहन नहीं है तो हमारे डायलॉग तो लिखते नहीं थे राइटर लोग, तो खुद ही बोल देते थे जने मन माँ बहन तो है लेकिन तू नहीं. हीरो मुझसे बहुत जल्दी थे मुझे क्यों वो इसलिए चलते थे, वो कहते थे सारी पिक्चर पे रंजीत बदल लेता रहता है, हमारे पास हीरो आती है तो पिक्चर खत्म हो जाती है. एनीवे लवली 50 इयर्स ऑफ लाइफ, आई हैव एंजॉयड एवरी मोमेंट, लॉट्स ऑफ वेकेशन, लॉट्स ऑफ लव. और अब देहरादून तो मैं पहले भी काफी बार आया हूँ लेकिन अभी एक मुद्दा है. वैसे भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो मिलती रहती है कि लोकेशंस कौन कौन सी अच्छी हैं. हमारी फिल्म लाइन में लोकेशन अच्छी हो जाए और थोड़ी फैसिलिटी मिल जाए काम करने के लिए तो डेफिनेटली ये टूरिज्म एंड फिल्म्स, ये इनका बड़ा क्लोज रिलेशन है. मैं ज़्यादा भाषण नहीं हूँ इसलिए जैसे सीएम साहब ने प्रॉमिस किया है आने वाले सालों में डेफिनेटली बहुत सारी पिक्चरें आएंगी यहाँ पर बनने के लिए. And thank you, sir. A great promise. And बड़ा honor की बात है कि हाथों से मुझे award मिला है. साड़ियाँ दुपट्टे खींचता रहा हूँ. मुझे बोलते हैं आजकल काम क्यों बंद कर दिया कमल जी. और मैं बोला मैं एक्टिंग तो आती नहीं थी, किसी इंस्टीट्यूट में गया नहीं, सीधे आए किस्मत में लिखा था. वो जैसे अभी मोहतरमा बड़ा शेर सुना रही थी ना तो एक याद आ गया, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए, किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए. Up next, may I please request none other than my favorite Vivek Vaswani sir. So before you go, we would like to have a few words from you. मैंने शुरुआत की एक्टर से टीवी सीरियल में, फिर टीवी सीरियल प्रोड्यूस किए, उसके बाद मैंने 40 फिल्में बनाई हैं. बट 40 के 40 फिल्मों के फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे. पत्थर के फूल अनंत गलानी की पहली पिक्चर थी, राजू बन गया जेंटलमैन अजीज मिर्जा की पहली पिक्चर थी, आतिश संजय गुप्ता की पहली पिक्चर थी, तुम बिन संजय गढ़वी की पहली पिक्चर थी, वगैरह वगैरह. उस वजह से क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को हेल्प किया, मेंटोर किया, आज मैं 4 यूनिवर्सिटीज में फिल्म सिखा रहा हूँ. एक्टिंग नहीं सिखा रहा हूँ, एक्टिंग मुझे समझ में नहीं आती, फिल्म सिखा रहा हूँ, एवोल्यूशन ऑफ सिनेमा सिखा रहा हूँ, फिल्म हिस्ट्री और प्रोडक्शन सिखा रहा हूँ. और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एक ऐसी संस्था यहाँ स्टार्ट करेंगे जो फिल्म स्टडीज, मीडिया स्टडीज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज की स्टडीज करे, तो आई विल बी नॉट ओनली वेरी हैप्पी टू हेल्प
write the syllabus, create it, but to also come to Uttarakhand and teach. It would be my personal thing. Thank you so much, sir, for sharing this wonderful thought. Bhuvan Namdeji! परमादरणीय मुख्यमंत्री साहब और यहाँ पर बैठे सभी मेरे भाई और बहनों, आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन देता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कमेटी का कि उन्होंने बहुत ही मान सम्मान के साथ मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून मेरे लिए नया नहीं है, पिछले 35 सालों से इसके साथ मेरा संबंध बना हुआ है। पहली बार 84 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी का एक प्ले लेकर हम यहाँ आए थे और यहाँ उसका शो किया था। उसके बाद मेरी पहली फिल्म सरदार पटेल, जो केतन मेहता साहब ने डायरेक्ट की थी, उसकी शूटिंग हमने यहाँ 92 में की थी। उसके बाद मेरी छोटी बहन की शादी यहाँ हो गई, तो हमेशा के लिए नाता मेरा देहरादून के साथ जुड़ गया और मुझे देहरादून बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। उसके पीछे कारण एक है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल, बहुत सिंप्लिसिटी है। यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी ने मुझे बहुत बहुत टच किया है। और कहते ही हैं कि किसी भी शहर का कैरेक्टर उसके लोगों के कैरेक्टर के से मापा जाता है, इसलिए देहरादून भी मेरे लिए हमेशा से लवेबल रहा है। देहरादून जिंदाबाद। थैंक यू। क्या बात है, मुझे लगता है सर देहरादून पे एक शेर कहते हैं। चलिए सुनाते हैं आपको देहरादून की कहानी। साथ में है मसूरी, पहाड़ों की रानी। थैंक यू सो मच सर। So well, we cannot move forward without listening to Kanwaljeet sir. Sir, can we have you here, please, please? Ever so much, thank you for Kanwaljeet sir. One of my most favorite actors in Punjabi cinema. हमारे कितने favorite actors हैं? जो आता है favorite actor. I specify sir, Punjabi cinema. मैं क्या आप रंजीत साहब के साथ बात बोलने वाला तो बेवकूफी होगा, है? लेकिन ये है कि मेरी मोहब्बत इस इलाके से इसलिए भी है क्योंकि मैं सहारनपुर का हूँ और मसूरी में पढ़ता था, तो यहाँ से गुजरना हमेशा होता था। जैसे ही मॉर्न पहुँचते थे तो मतलब दिमाग ताज़ा हो जाता था। उसके बाद यहाँ नेपलीज में कॉफ़ी की चुस्की, हिरोस की पेस्ट्री और पल्टन बाजार की सैर। अब वो सरदार जी मेरे ख्याल अब भी होंगे, वो पकौड़े वाले होंगे जी, राजपुर बाजार। ये सब याद है। उस वक्त बार्स में जाना शुरू नहीं किया था तो मुझे मालूम नहीं मैं खाने कितने ही हैं वो भी बहुत होंगे। तो बहुत अच्छा लगा वापस आके और सीएम साहब से तो मिलकर बहुत दिल खुश हो। थैंक यू सो मच। Thank you so very much, sir. Our favorite actors from Lagan, Yashpal Sharma ji. सारा इतना ट्यूबलाइट कर ली, रावड़ी राठौड़ कर ली, सिंधी स्किन कर ली, गंगा जल नहीं जा रही थी भाई। मतलब गालियां ही देते रहे जिंदगी भर। कहा भाई, बहुत ब्लंडर हो गया था। ये सबसे पहले मैं शांतनु और राजेश का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले 4 साल से मैं ट्राई कर रहा था यहाँ आने की, नहीं आ पा रहा था क्योंकि कुछ कारण थे। अब इस बार मैं आ पाया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का आपकी, जो जितने भी ये किया है और ऑर्गेनाइज। और मैं मेरी भी एक कुछ यादें जुड़ी हैं। अभी गोविंद जी मेरे सीनियर हैं एनएसडी से ही, इन्होंने बताया तो मुझे भी याद आया। मेरी पहली कमर्शियल फिल्म, उससे पहले श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी के साथ एक फिल्म की थी। पहली जो कमर्शियल फिल्म जो बोलते हैं वो देहरादून के कॉलेज में मुझे गोली लगी थी, वो सीन था। और अर्जुन पंडित सर एक गोली, और दिलीप चावला जी, तो ऋषिकेश
और ऋषिकेश और जो हरिद्वार देहरादून में शूटिंग उसकी हुई थी 92% बहुत आपने देखी हो दर्शक जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और आई एम सो लक्की सर आपके हाथ से अवार्ड मिला है और थैंक यू सो मच आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। कहा रे बच्चा यादव, सर अब बोले थे ना तुमको हमको धोखा नहीं देना, कुत्ता का मौत मारेंगे, बोला था ना धोखा दिया हमको मादर जात, आंख के बदले आंख। Ladies and gentlemen, the music legend, the legendary music magician, दिलीप सेन साहब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लक्ष्मी नारायण पांडे जी, सर कैन वी हैव यू हियर प्लीज, ले जाइए एक बार जोरदार तालियां और इसका ट्रेलर लॉन्च इसी फेस्टिवल में हो रहा है सर प्लीज। जो कि बहुत ही अच्छी मूवी थी, मैंने फिल्म देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड सर यू मेड दिस फिल्म अर्जुन सिंह आईपीएस बैच 2000, कैन वी नो फ्रॉम यू दैट व्हाट इट होल्ड्स फॉर द ऑडियंस? मैं सबसे पहले फिफ्थ देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये मंच देने के लिए फिल्म को ऑफिसर आईपीएस अर्जुन सिंह को और सर को धन्यवाद देता हूँ। देहरादून थैंक यू सो मच, राजेश जी जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया, ऑफिसर अर्जुन सिंह आईपीएस एक ऑनेस्ट गुड कॉप की स्टोरी है जो समाज की गंदगी साफ कर रहा है और देश में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको कैसे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फिल्म के जरिए, जो अभी आप ट्रेलर में देखेंगे। और बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच अर्जुन भाई। सर वी रियली होप दिस फिल्म इज अ बिग सक्सेस। मेंबर्स हो दा ताली हो जाए द मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर डॉक्टर जतिन वाले साहब। मेंबर्स हो दा ताली स्वागत कीजिए मिस शशि गुप्ता जी। इस इनकी फिल्म भी आज स्क्रीन करी गई थी धारा 370, बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हमारे बीच में है मिसेस शशि गुप्ता जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी फिल्म फिर इसी बोर्ड पर 25 हफ्ते पूरे कर रही है, ये बस जो रात आलिया सुने तो भाजपा यहां करने का भाजपा जी के लिए। खवातीन और हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आया तो सबसे अच्छी चीज़ मैंने जो किया है जा करके, मैं एक वाजपेयी हूँ और बड़ा गर्व है मुझे कहना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मैं एक वाजपेयी हूँ और मैं अटल जी का आशीर्वाद आपके लिए लाया हूँ। लेक टंडन जी बहुत मशहूर और बड़े महान डायरेक्टर थे, उनकी आखिरी पिक्चर है फिर उसी मोड़ पर जो हम लोगों ने प्रोड्यूस की, कनिका जी ने उसमें सारे गाने गाए, मैंने पहली बार जिंदगी में उसका संगीत दिया। हालांकि मैं केमिकल इंजीनियर हूं और मैंने 47 साल में 45 फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्रियों में संगीत मुझे दिखाई देता है। मेरे विचार से जो सबसे महान संगीतकार रहे हैं उनके लिए So well, ladies and gentlemen, it's time to request you all to अभी हम आपको showcase trailer दिखाएंगे। जी हाँ, अर्जुन IPS का trailer अभी हम आप सभी को दिखाएंगे। So well, आप सभी से request है कि वो trailer देखिएगा and right after that we'll proceed out with this evening. So sir, trailer हम इस पे चलाएंगे। विक्रांत, can we have you to? तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने बढ़ावा दिया।
Thank you so much, sir, for boosting all our morals with the kind words you said and your entire presence. Thank you so much. हमने एक बार पर सर इनसे एक बार रिक्वेस्ट किया था सर कि आप थोड़ा टाइम निकालकर हमारे देहरादून में आइए तो इन्होंने बिना हिचके में सब इनफैक्ट सबसे मुलाकात भी हुई थी तो इन्होंने बिना हिचके बिना टाइम दे दिया और वो भी सर तीन दिन के लिए जो हमारा फेस्टिवल चलेगा 6th, 7th, 8th को चलेगा और सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा 5th देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जब हमने फर्स्ट देहरादून फिल्म फेस्टिवल प्लान किया था तो हमारे पास करीबन 30-35 टोटल फिल्म आई थी और अब की बार हमारे पास मोर देन 350 फिल्म्स की एंट्रीज है और मोर देन 80 फिल्म्स हमारे पास उत्तराखंड की बनी हुई फिल्म आई और हमारे को बड़ी प्रॉब्लम हुई है चूज करने में कि कौन सी फिल्म को हम लोग तीन दिन के अंदर दिखाएं जबकि हमारे पास इस समय से दो वेन्यूज हैं एक यहाँ पर दिखा रहे हैं सिल्वर सिटी में बैक टू बैक फिल्म और एक तुलास में और मैं आपका सबका आभारी हूँ सर आप आए यहाँ पर और हमें मोटिवेट किया हमें सपोर्ट किया और आपका आगे भी फ्यूचर में साथ ऐसा बना रहेगा धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू सो मच ये बड़े सम्मान की बात है कि आदरणीय सीएम सर और धन सिंह रावत सर जी ने इस फिल्म को देखा मुंबई से इतने सारे लोग आए हैं मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमने लास्ट ईयर जब यहाँ पे रेड एफएम स्टार्ट किया था हम सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पे सिर्फ गाने सुनाएं और निकल जाएं नहीं ये समाज हमारा है ये हमको बिलोंग करता है हम इसको बिलोंग करते हैं और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लेवल पे अपने पोटेंशियल से जो कुछ भी दे पाएं हम वापस देने की कोशिश करें तो बस क्या बात है मॉरल ऑफ द स्टोरी फिल्में भी देखिए उत्तराखंड भी देखिए क्या बात है आई थिंक दिस शुड बी द टैगलाइन ऑफ उत्तराखंड सर से पूछना चाहूंगा आपको कैसी लगी बहुत अच्छी कार्य जैसे तुम्हारा नाम एकदम बिल्कुल वैसे ही और काव्य हमारा एक बहुत ही प्रतिभाशाली एक नौजवान है हमारा ये और बहुत क्रिएटिव है मैं कह सकता हूँ मुझे लगभग साल सवा साल से हमारे संपर्क में है जब रेड एफएम के उद्घाटन के लिए मैं गया था बहुत अच्छा है बहुत जो उसने कही कि हम सिर्फ उत्तराखंड बिलोंग करता है हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उत्तराखंड के गाँव से बिलोंग करते हैं तो ये अंतस की भावनाएँ हैं अंतःकरण की भावनाएं हैं मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं बहुत बहुत शुक्रिया क्या बात है एक छोटा सा शेर हो जाए आरजे काव्या के लिए फॉर दिस इनिशिएटिव इरशाद सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना था सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना था मेरी मंजिल तो आसमान थी रास्ता मुझे सबके लिए खुद बनाना था क्लोज करना चाहूँगा जब से फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है मैं आपको बताऊँ हमारे जिम कॉर्बेट में बाघों की संख्या तो बड़ी थी आज आपने 7-8 शेरों की संख्या भी बढ़ाई क्या बात है भैया थैंक यू मेनी मोर टू कम दो दिन और हैं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप सबको मुझे झेलना पड़ेगा और इसी के साथ हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री साहब का कि हमारे बीच आए और इस ओपनिंग सेरेमनी को एक ऐसा शुरुआत दी कि आगे अगले दो दिन यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है